यहाँ से एक बात ठीक है, मोदी की बात कर रहा, बहुत बढ़िया बात कर रहा। अच्छा एक सवाल तो नहीं से महिले लगा, ससुर के देख के बेटी दबा, ससुर के देख के बेटी दबा कितना ऊपर पेशेंट में भाई। आज इतना सड़क बन लेना पेशेंट बन ले, बिजली कौन बना गांव में, बिजली तो आनला जगह फोट जला उस व्यवस्था के माध्यम से ले। कैसे नहीं तो कैसे बोला धीरे धीरे, जब जनता आधा जागरूक है से इतना काम रहे, जन जन पूरा जागरूक होते कितना काम रहते, मतलब कहीं हम लोग वेस्ट नहीं करते। सूद अगर कोई लेता हाँ, अगर मेरा जरूरत है 10,000 का तो हम निकाल लेते हैं। हाँ। निकाल ली और 12,000 देना होगा, 12,000 नहीं उसका जो सूद है अगले महीना जो सूद लगेगा, मतलब 1 रुपया चल रहा है मकान। अच्छा 1 रुपया दे, 100 का 1 चल रहा है, 100 का 1 चल रहा है। तो का एक भी दे रहे हैं ना तो समाज में भलाई ये कर रहे हैं। नहीं तो आप तो आप में खूब ले आते हैं ना, तक गला के हार दे और फिर बड़े पायल बंद कर सकते हैं। तब जब तक हम लोग समूह चल गया है वो सब चीज नहीं चलता है, सब ना चल ये सब फायदा हो रहा है। हाँ नहीं देखा समूह से ठीक है, नारी के जोड़े से मौका मिल रहे जे अगर हुनर टैलेंट अपन घर तक छुप के रह जाए अगर बाहर अपन अवसर मिल रहे तो बढ़िया बात लगे। ऐसी तो हम मेरा फरमसिया में ऐसा कोई नहीं है जो 110 को अंदर ही मिलता है, ऐसा फरमसिया में कोई नहीं है जो हम लोग का बीओ में कोई जुड़ी नहीं है। हम लोग लेन देन करेंगे ऐसे, मतलब हम लोग यहाँ पे हम लोग कमेटी भी खेल रहे हैं लेडीज में, अपना ग्रुप भी चला रहे हैं। और आप लोग मैंने इसे सूद मैंने पैसा मदद के अलावा क्या आप लोग एक्टिविटी है महिलाओं का? खेती बाड़ी करते हैं। अरे खेती बाड़ी तो आपका मतलब समूह के माध्यम से, खेती बाड़ी तो आपका व्यक्तिगत है दीदी? हाँ व्यक्तिगत, तो आपका ससुर जी का खेत है करना ही पड़ेगा। समूह के माध्यम से क्या, समूह से ही खेत हम लोग का दाना है ये सब सब मिलता है, मशरूम का कोई करता है, मशरूम का खेती करता है, अगरबत्ती बनाया तो कोई, अभी यहाँ बरमसिया में सब नहीं चलता। या फिर चलिए आप मैंने बच्चा लोग को दो चार बजे पढ़े लिखे ले वो लोग पढ़ा लिए, जो बुजुर्ग दादी लोग उनको भी हस्ताक्षर करने सिखवा दिए, तो मैंने इस टाइप से मतलब इस तरह भी मतलब इस तरह भी समूह और कोई एक्टिविटी नहीं है? नहीं ये भी करते हैं जैसे किसी का घर में कोई समस्या आपसी कुछ हो तो उसको लेकर भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मतलब पहल करते हैं। हाँ, करते हैं जैसे किसी घर में कोई मैटर चल रहा है तो उसको आके हम लोग यहाँ बात रखते हैं, बात रखते हैं और समाधान करते हैं, सोल्यूशन का प्रयास करते हैं। उनका घर भी अगर जाना पड़ता है तो हम लोग चल जाते हैं, हम लोग यहाँ से नहीं होता तो हम लोग जाते हैं मुख्य संपर्क। हाँ ये बढ़िया, नहीं तो पहले महिला ग्रुप से ही बात कर लेते हैं उसके बाद हम लोग कहीं जाते हैं। बढ़िया भी है महिला ग्रुप से बात करने से, महिला लोग को जैसे बोलने का आसानी होता है, समाज में डायरेक्टली बोलने से दिक्कत होता है कि कोई झिझकता है बात रखने के लिए, सर बोलेगा कि जाए थाना, सर बोल देगा थाना जाए, सरपंच बोलेगा जाए थाना, लेकिन 10 को महिला मिल के अगर कोई चीज का समाधान करते हैं तो अच्छा बात है। चलो तब तक ठीक है ठाक है, और बाकी वोट के चर्चा करा कि नहीं? वोट की चर्चा तो चल ही रहा है आज, इतनी क्या बोलते हैं मार्च से ही चल रहा है, तो भूल भटक के भी हमने चर्चा भेलो तो आते आते रहिएगा जाते रहिएगा, हम लोग से मिलते रहिएगा तो होगा ही। अभी तो हम लोग मतलब क्या कंफर्म थोड़ी है कि उन्हीं को देना इन्हीं को देना, लेकिन हाँ चर्चा होता है कि जहाँ देंगे सही जगह देंगे, इतना जानता है मतलब नारी शक्ति भी आज वोट के लेके जागरूक भाई। हाँ कि जहाँ भी देंगे सही जगह, अपना अधिकार है अपनी। हाँ सोच के देना, नारियों को ज्यादा सोचना चाहिए वोट के कारण, आज नारियों को जगह मिला बैठने का। अगर वोट की व्यवस्था नहीं आती तो हमको आप एक भी किस्सा सुनाइए, जैसे 30-40 साल पहले कोई नारी किसी पंचायती में जाके मीटिंग करती थी, आज वो पंचायती में जाके मीटिंग नहीं करती है, फैसला सुनाती है, क्योंकि आज जो नहीं वो देखा ना उठा उठा अलग विषय है, नारी घर से बाहर ना बोलते तो जेंट्स ना बैठा लो, तो ही जेंट्स के बीच बैठा ला, जेंट्स तो थोड़ी बैठा लो, जेंट्स तो बाहर भी करते लो, अगर जेंट्स भी तोर साथ बैठा लो ना तो जेंट्स तोर से ना बैठा लो तो ही जेंट्स के साथ बैठा ला, वो मैटर लगो तुरंत निकलने वाला है। वहाँ पे बात चले व्यवस्था में बदलाव कैसे, पहले पहले नारी निकलती नहीं थी डरती थी, तो निकलने का कारण कारण ही समूह है। हाँ तो समूह बना कैसे, जब समूह माहौल बनाया तब ना, लोकतांत्रिक देश बना भारत, भारत में पढ़ाई लिखाई सबको समान दिया जाने लगा कि बेटवों के यार बेटियों के, मोदी धोनी
बैठा ना, ना लेकिन यहाँ से एक बात ठीक है, मोदी की बात कर ला, बहुत बढ़िया बात कर ला। अच्छा एक सवाल थोड़ी से महिला राजा, ससुर के देख के बेटी दबा, ससुर के देख के बेटी दबा कन्या दबा, ससुर के देख के बेटी दे दबा, दामाद के घर भी देखना है, परिवार देखना है, घर भी देखना है, तीनों देखना है। जब कुछ लोग ना तुरंत ढेर के आते थे, आप थोड़ा सुन लियो तो बात का, आप हमारे बात सुना और बता सुन लियो ना, अब हमें जानना पे सुना उत्तर दे। हमें कहे की ससुर के देख के बेटी देना चाहिए कि दामाद के देख के देना चाहिए, तो यहाँ जगरा वोट देना होगा तो बात की। हाँ उनको हम लोग को देखना है, आज सुना आज फैमिली पूरा ना रह गए चाची, तुम जाना आज संयुक्त परिवार ककरो ना रह गए, आज दस गो कोई परिवार ना, दस गो सदस्य रह गए है, एगो बताओ तो, एगो बताओ जब एगो हमने चुनाव कभी लड़े, हमने कभी लड़ लेना ठीक है सवाल करे ना, सवाल ना सामने कहना भी चाहिए, हमने कभी चुनाव लड़ लेना आयो, हमने कभी लड़ लेना वोट में लड़ लेना आयो ना, कभी हमने वोट करे सोच लियो। और भैया ऐसा भी तो होता है कि चुनाव हो जाता है, जो जीत जाता है उसका दर्शन भी नहीं देता है। एक सवाल, 5 किलो चार बढ़िया की तोर किधर पुत्र के पढ़ाई लिखाई के बाद रोजगार बढ़िया, बढ़िया की 5 किलो चार फ्री में मिलते उठा बढ़िया, या तोर पढ़ल लिखल किधर पुत्र के रोजगार मिलते सेटा बढ़िया, पढ़ल लिखल बच्चा का रोजगार मिलेगा, वो कहा दियो ना रोजगार, तो आज रोजगार पे बात होना चाहिए ना, पढ़ाई लिखाई बात होना चाहिए ना, वोट खाए बेवा चावल आ जाएगा, बल्कि चावल तो पर गुलाम बना रहे भाई, 20 साल बाद आपका बच्चा खेत नहीं जाएगा, 20 साल बाद आपका बच्चा कोड़ने खोसने लेके बारी नहीं जाएगा, नहीं जा रहा, क्योंकि आपका माइंड सेट है आपको वोट देना है चार को देख के, आप कभी इस बात का सवाल ही नहीं किए कि हम वोट आपको दिए बदले में आप यहाँ रोजगार का व्यवस्था का बात कीजिए, आप फ्री में एजुकेशन का बात कीजिए, आप कभी बोले ही नहीं है, तो आज जो फ्री फ्री का आदत लगा है ना, बुरा मत मानिएगा, हम लोग भी फ्री में चार मिलता है, लेकिन 15-20 साल बाद जो हम लोग का नया जनरेशन आएगा ना, वो घर से बाहर नहीं जा पाएगा, कोर्दी लिए नड़ा धर लेते, वो तो सही बात, दो काठी जंगल से आने तक हालत खराब हो जाते, तो इसलिए देखा वोट ही खातिर भाई एजुकेशन पे बात करें। अच्छा एक बात हो, तो घर की पढ़ा लिखो कि नहीं, हाँ कि ना कहा ना, पढ़ेबा कि ना पढ़ेबा, तो अखबार अभी आपको परीक्षा ठीक से नहीं भर रहा है, की कहते पढ़वा जो परीक्षा पास करे कुछ बने, हमने घटित कहो कि आज हमने थॉट्स कहाँ आई गलो कि हमने 5 किलो के चार दे दिले कि गैस दे दिले, यहाँ पढ़ल लिखल नौजवान के नौकरी लागे वाला वीडियो सीओ कैसे बनते है, वो परीक्षा कैसे रहता है, ओकर में तो नहीं सोच में नहीं करा, तो सह बात हम क्या आई लियो वोट से खातिर व्यवहार है, तो इसलिए तुमने अपन केवल महिला समूह तक ना है, तुम घर जो पढ़े वाला गिदर हो देखा तुम भविष्य नहीं लगा, आज अगर तुम महिला समूह की खातिर बनवाला कि हमार बाल बच्चा ठीक रहे, तो तेरा बाल बच्चा ठीक कैसे रहते, पहला अगर पढ़ाई लिखाई ठीक रहे, अगर पढ़ाई लिखाई ना तो कोनो काम के नहीं लगो, तो ईटा बात कर आज जगह वोट दबरा पूछिया कि 2 लाख रुपया फी का रहते बीएड के, ओकरा हां आज 2 लाख 2.5 लाख बीएड के फी भ गेले, जगह से लोग मास्टर मास्टर नहीं बनाए, बताओ तो तोर गांव के कहो किधर बीएड करके मास्टर मास्टर नहीं बनतो, तो सही खातिर जागरूक व्यवहार तो वोट के लेके, केवल गैस देख के केवल फ्री में चार देख के वोट ना करा, रोजगार के बात करा, शिक्षा के बात करा, स्वास्थ्य के बात करा, और यदि ना रहते हमारे झारखंड में रोजगार के बात तब करते हम, यह तो बिरमा विधानसभा लगो ना, यहाँ विधायक यहाँ के नेता थोन पेपर में पढ़ल बा, रुका हमारे बात तो सुन ले, 1 दिन में 1 करोड़ के कोयला बेचो, तोरा वोट मांगे ध्यान ना जकड़े देना, लेकिन सुन लेना वोट क्या है, तोहर 1 करोड़ रुपया सुन ला दीदी बड़ा लिखल लगा। अच्छा एक बात बता, एक आदमी 1 दिन में 1 करोड़ कमेत है, अगर वो 20 लाख रहतल है तो वो अगर 1 करोड़ के अगर एक आदमी में अगर 1000-1000 रुपया करके मौका देते है तो 10,000 लोग के खाली एक जगह से रोजगार लगता, लेकिन चूंकि हमने वोट दे दला दिल्ली देख के रांची देख के, हाँ तो रियलिटी गाँव में बैठ के जब जब जनता आधा जागरूक है से इतना काम रहे, जन जन पूरा जागरूक होते कितना काम रहते, ये काम होता है सही में, लेकिन
मतलब बाद में जब वोट लेने के बाद तो सबको बोलता है कि ऐसे वैसे, लेकिन वोट जाने के बाद ना भैया सब सब अपना अपना घर में हो जाता है, सब अपना हो जाता है। किसी का दर्शन नहीं मिलता, काहे नहीं पब्लिक खत्म हो जाए, लेकिन कुछ अगर जरूरत भी पड़ जाता है तो उसका अथी नहीं होगा। ठीक दीदी, एक बढ़िया सवाल। अच्छा एक बात कहा, जब हमार माय रह चाहे तोर माय रह, जब जन्म भेलो तो जन्म लियल बादे सबके पता चले कि हमार मरण भी गेलै। हां वो तो सही पता चल रही ना कि जन दिन हमार जन्म सुना ना कितनो प्यारा गिदर रह, जन्मायल बाद पता चल गेलो कि अगर मरण भी भेतै। हां हटे त कि हमार मरल बाद भेतै लेकिन ई मरतै, तो कि हमनी जेल छोड़ देला नहीं, ए मोरे चिंता कि हमनी जेल छोड़ देला नहीं, नहीं ना। जब हम मरने की चिंता में जीना नहीं छोड़ दिए तो कौन नेता कैसा किया है कि हम नया सोचना छोड़ देंगे। हम पुराना ही सोचते रहेंगे, हाँ फलना नेता को दे तो कुछ नहीं किया तो हम पुराना थॉट लेके चलेंगे। तो वही तो मन में डर भरा हुआ है ना, निकाली देखे उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस नेता नहीं कुछ किया तो अगला भी तो नहीं करेगा, बस वही मन में, वही माइंडसेट को बदलना है। हाँ, वही मन में घुस गया। मालूम है कि यहाँ जितना लोग बैठे हैं एक दिन मर जाएंगे, तो क्या आज हम लोग से चिंता में छोड़ दे खाना पीना, लेकिन तो मरना है तो ठीक। उसी प्रकार भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद कीजिए ना कि बेहतर होगा। उम्मीद तो करते हैं, उम्मीद कीजिए, ऐसा बात नहीं कि हम लोग उम्मीद करना छोड़ दिए, लेकिन हम लोग का जब उम्मीद खत्म हो जाता है ना तब अगला बार जब 5 साल बाद ही आता है ना वोट, लेकिन तब बाद में लगता है कि और हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। ना ना अभी हमारा छाप ना आयो, पहला बात कौन सा हमारा ना चीना क्योंकि तोर गांव में फर्स्ट नहीं भैया, पहचानते हैं हम लोग, करते हैं ना उस तरह लग रहा है कि भाई बैठे हम लोग थोड़ी ना बात कर रहे हैं, इससे हम लोग को कोई नहीं दिक्कत लग रही है, हम कर रहे हैं हमको नहीं लग रहा है कि नेता बन के आए हैं, हमको लग रहा है हम ग्रुप में बैठे हैं, मेरे भैया बैठे हुए हैं, भैया आनंद भैया बैठे थे अभी आप लोग आए तो उठ के किधर होंगे, बता रहे हम लोग नहीं पता था, हम लोग बोल के तो किसी को नहीं है, हम लोग इधर से जा ही रहे थे बलरामपुर जा रहे थे, देखे बैठे हुए इसलिए हम लोग नहीं, आप लोग बोले कि भैया जूता नहीं पहन के आए हैं, अंगूठी नहीं पहन के, उसके हम अलावा बता रहे हैं आपको। सुनिए पढ़ाई छोड़ने चाची, पहला बात छापो को भी कुछ ना, हमारा से तोर बाप घर घर लो, बाप घर करने लो, नहीं नहीं खाते सुना, अरे बोल भात सबे थाने कुछ अपन बदल दो, तीरो में भी ना हमने कुछ किया, उधर चंदन कैरी चास धनबाद बोकारो कहीं कोई आपस कुटुंब कौन हो तबे हम एक बते पारबो कि हमने की करल हो, सही बात हो तोर हम कुछ करल नहीं हो तो हम कैसे बते, न तीरो न मोहदा साइड हो तो मोहदा साइड में बाप घर होते, टेलीफोन करके हमने नाम पूछ लिया। हाँ तो अगर यदि तोर चास चंदन कैरी या फिर मोहदा उधर हाँ तो टेलीफोन करके पूछ ले, हम माना है कि तौर यहाँ में अपरिचित हो, जयराम महतो हमारे नाम लगो, हमारे घर लग तुम चाची मान चढ़, तुम चाची मान चढ़ नहीं देखा, हम माना यही बात सच्चाई लगा कि आज जरी जरीडी के इस हिस्सा एगो अलग दुनिया है, जरीडी के रोडवा पार के हिस्सा अपने अलगे मैंने क्षेत्रफल लेकर भौगोलिक, तो जब दीदी सब जब मोबाइल चलो अपनी हमारा बुझा परिचित था। हाँ भैया हम आपको देखते पहचान, हेलो मोबाइल से देखते हैं नहीं सब ठीक है, हमने तो और घटे कह लियो, हमने इस झारखंड के भविष्य के लड़ाई लड़ रहा लियो, नहीं हम कहाँ बोल रहे कि नहीं जानते हैं, तो हमने तो देखा अब चूंकि तुम यदि नहीं जाना तो कम से कम तुम गाँव में कॉलेज जाए वाले किधर रहते हो, ओकर से पूछ लिया हमने एक बार सारा चीज बता दे, तो हमने आज अच्छा देखे नहीं सुने हैं, गलत सुने हैं कि सही सुने, अच्छा गलत सुने हैं कि सही सुने, दीदी सही सुने हैं, नाम भी करते हैं, तो चाची एक्चुअली तो फिर नया होकर थोड़ा समझ में ना आए लोग, हमने आज इस राज्य के खातिर बीते 2 साल से बहुत संघर्ष कर रहा है, हमने संघर्ष इस बात के कर रहा है तुमने महिला समूह तो कि तुमने पढ़ा लिखना है तो तोरा हम महिला समूह ना है, हमने तोर अधिकार के बात कर रहा है कि आज झारखंड के अगर बात करवा तो हमारे घर हमने बहु बेटी की काम मिल रही लेकिन आंगनबाड़ी में मलेरिया फलेरिया के टैबलेट बांटे में, और प्रदेश के जो बहु बेटी के देखवा वकील बन के बैठल है, इंजीनियर बन के बैठल है, तो हर तक हमने लड़ाई लड़ लिया नारा सुनल बा 1932 के खतियान झारखंडी पहचान, तो उस बात के हमने बुलंद कर लिया कि जब राज हमार लगे
यहाँ के अलावा तोर कही है जमीन घर द्वार हो नहीं ना हो, यानी जो है झारखंडी है उसी बात का हम लोग आवाज उठाए हैं कि भाई झारखंडी है हम, तो झारखंड की मिट्टी में अगर कोई काम मिले तो झारखंडियों को मिलेगा। आज आप अगर से बोकारो का ही बात कीजिएगा तो बोकारो में क्या नहीं है, BSL है, बोकारो में स्टील है, बोकारो में कोयला है, बोकारो में बारूद है, और बोकारो के लोगों के हाथ में अगर रोजगार नहीं रहेगा तो सवाल होगा कि नहीं होगा। वही ज्यादातर देखिएगा ना, बाहर का आदमी आके काम करता है, लेकिन हमारे जो झारखंड के लोग को काम नहीं मिलता। अगर उनको काम भी करवाता है तो अपने अंडर में करवाता है, बाहर के ऊपर में हमारे लोग उनका डाउन में है। हाँ तो बस इसी चीज को समझिए, आइए आज हर जगह जमीन हम लोग का गया है, आज उसी लड़ाई को उसी आंदोलन को हम लोग तो है लड़ाई हमें लड़ रहा है बोलना से क्या।